हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण आज इस वीडियो के जरिए आपको बताने जा रही हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने आईटीआई का प्लम्बर का कोर्स किया हुआ है तो वो कनाडा जाके अपने आप को कैसे सेटल कर सकते हैं, कैसे कैसे वो कनाडा जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर उन्हें कौन कौन सा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ये जो प्लम्बर का आईटीआई का कोर्स है ये एक साल का है। ये कोर्स आप इंडिया से अगर जहाँ से करके जाते हैं कनाडा तो वहाँ पर आपका इनकम बहुत अच्छी होगी और वहाँ पर कनाडा में प्लम्बर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अगर आप यहाँ से कोर्स करके जाते हैं तो कनाडा में जाकर आपको पानी, सीवरेज, गैस, स्क्रिपलर पाइप्स को काटने का और उनके ऊपर जो स्क्रू डाले जाते हैं उनका और नक्शे के मुताबिक उनको फिट करने का काम मिलता है। प्रेशर गेज और वैक्यूम यंत्रों में जो प्रॉब्लम आती है उनको डिफाइन किया जाता है, उनको आपको दूर करने का काम प्लम्बर के द्वारा ही किया जाता है। सिंक ड्रेन या टॉयलेट ड्रेन में भी जो भी प्रॉब्लम आती है उनको भी दूर प्लम्बर के द्वारा ही किया जाता है। सभी जो भी जब वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है पाइप्स वगैरह में वो सारी प्रॉब्लम को प्लम्बर के द्वारा ही ठीक किया जाता है। प्लम्बिंग फिक्स्चर्स और पाइप की वेल्डिंग की रिपेयर भी प्लम्बर के द्वारा ही की जाती है। वो सारी और रिपेयर का जो अनुमानित लागत लगाई जाती है वो भी प्लम्बर के द्वारा ही लगाई जाती है। और अंडरग्राउंड जो ऑयल पाइपलाइंस हैं या गैस पाइपलाइंस हैं उनका निर्माण भी प्लम्बर के द्वारा ही किया जाता है। मीन्स कि ये सारे काम प्लम्बर को करने होते हैं। सो प्लीज़ जो प्लम्बर जहाँ से कनाडा जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेके जाएं तो ईजिली आप वहाँ पर अपने आप को जाके सेटल कर लोगे और आपको अच्छी इनकम प्राप्त होने लगेगी। अब आपको बता दूँ कि 2020 के अकॉर्डिंगली जो फ्रेशर वहाँ जा रहे हैं उनकी इनकम एक साल की एस्टिमेटेड 32,000 कनेडियन डॉलर है और जिनके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है उनकी जो इनकम है वो 53,910 कैनेडियन डॉलर है और जिनकी 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस है जिनके पास वो उनकी इनकम 53,000 कैनेडियन डॉलर है एक साल की। मींस के आपकी वहाँ पर जाके इनकम बहुत अच्छी होगी अगर आप यहाँ से अच्छे ढंग से प्रैक्टिकल नॉलेज लेके जाते हैं प्लम्बर की। अब आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर आप कैसे कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले है स्टडी वीज़ा। कनाडा में बहुत से ऐसे ट्रेड स्कूल हैं जो DLA अप्रूव्ड हैं, वो 8 से 12 महीने के ट्रेड कोर्स करवा रहे हैं। उनमें अगर आप कोर्स करते हैं तो वहाँ पर आपको कोर्स करने के साथ साथ 20 घंटे काम करने की परमिशन भी मिल जाती है और ये कोर्स करने के बाद कोई ना कोई एम्प्लॉयर आपको 2 साल के लिए वर्क परमिट पे हायर कर लेता है। तो इस वर्क परमिट में अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा तो और आपके पास आईलेट्स के 5 बैंड हैं तो आप ईजिली PR की फाइल लगा सकते हैं। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। उसके बाद आगे है वर्क परमिट। अगर कनाडा में कोई भी एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट पे बुला रहा है तो आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस शो करने की ज़रूरत नहीं है तो आप वर्क परमिट में कनाडा जा सकते हैं। उसके बाद आगे है मैरिज पे। जैसे कि आपका स्पाउस कनाडा में काम कर रहा है या स्टडी कर रहा है तो आप स्पाउस वीज़े पे भी वहाँ जा सकते हैं। कनाडा में PNIP प्रोग्राम, जो कनाडा में जो PNIP प्रोग्राम चल रहा है इसके लिए आपके पास IT का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप 2 साल से ज़्यादा आपके पास पेड वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। मींस के आपकी सैलरी जो है बैंक में आनी चाहिए और आपके पास आइलेट्स जनरल के 4 बैंड होने चाहिए तो आप रूरल कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा में रूरल एरिया उसको बोला जाता है जिसकी आबादी कम होती है। उसके बाद आगे है कनाडा के AIPP प्रोग्राम में। जो कनाडा के AIPP प्रोग्राम है इसके लिए भी स्टूडेंट की IT पास होनी चाहिए, आइलेट्स जनरल में आपके 4 बैंड होने चाहिए और एम्प्लॉयर के पास ही आपको वर्क परमिट मिलना चाहिए। तो वहां पर आपने 18 महीने काम करना होता है, उसके बाद ही आप अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे है कनाडा स्किल्ड वर्कर ट्रेड कैटेगरी। ये जो स्किल्ड वर्कर ट्रेड कैटेगरी है इसके लिए भी आपके पास IT का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास 2 साल का पेड वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और जर्नल आइलेट्स में आपने 5 बैंड लिए हों और आपके पास कनाडा की किसी भी प्रोविंस का सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन होना भी ज़रूरी है और उसके बाद आपके जो CS स्कोर हैं वो आपके 350 के करीब होने चाहिए तो आप इजीली अपनी फाइल लगा सकते हैं। उसके बाद आगे है प्रोविंशियल PNP नॉमिनी प्रोग्राम। कनाडा की कुछ प्रोविंसेज हैं जैसे कि ओंटारियो, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा या सस्कैचविन, तो ये जो प्रोविंसेज हैं जिनमें PNP प्रोग्राम चल रहा है, ये PNP प्रोग्राम रन कर रही हैं, आप इन प्रोग्राम के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट प्लस टू पास करने के बाद कनाडा में जाकर 2 साल की पढ़ाई कर रहे हैं और 2 साल की पढ़ाई करने के बाद उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता है 3 साल का, तो ये सब करने के बाद भी वहाँ पर वो PR नहीं ले पाते, उन्हें दिक्कत आती है वहाँ पर PR लेने में, तो वो भी 1 साल का ट्रेड कोर्स करके PR लेने के लिए योग हो जाते हैं और वो PR इजीली ले सकते हैं।
ये सारा जो सिस्टम है ये प्लम्बर के लिए है। अगर प्लम्बर से रिगार्डिंग आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप कनाडा की जो वेबसाइट है www.canada.ca उस पर जाके कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं। और अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9811048 नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें या शेयर करें। थैंक यू।